T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट को लेके आए दिन नई डिबेट्स हमें देखने को मिलती है, जहां पे एक सेट्स ऑफ प्लेयर कहते हैं कि टीम की कंडीशन पोजीशन मैटर करती है, एवरेज मैटर करता है, और दूसरे जो फैंस है वो कहते हैं कि T20 क्रिकेट में 30 रन की अच्छे स्ट्राइक रेट की पारी ज्यादा बेटर है 50 रन से। अब ये डिबेट जो है पिछले 10 साल से कंटिन्यू होता है, और लेकिन टाटा IPL 2024 में हमें ये चीज और भी ज्यादा देखने को मिली है, जहां पे विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, और उन्हें जो है ट्रोल किया गया है उनके स्ट्राइक रेट को लेकर। और अब हमेशा से स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, KL राहुल पे भी बात होती है, काफी सारे ऐसे प्लेयर है जिनके जो स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में अंडर 10 स्कैनर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स जिनके नाम सबसे ज्यादा 50 है 50s है IPL में 150 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा, यानी कि एक प्लेयर ने 50 रन बनाए 150 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अच्छा अटैक रेट से बैटिंग करते हुए। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्रिकेट इन जींस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना बिल्कुल ना भूले। विराट कोहली ने एक पारी खेली जयपुर में, जहां पे उन्होंने 113 रन बनाए 72 बॉलों में, उनका स्ट्राइक रेट जो था वो था 157। अब फैंस का कहना था कि यार सिचुएशन कुछ भी हो, आपके दूसरे एंड से सपोर्ट ना भी मिला हो, आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 180-170 होना चाहिए था इतनी बॉल खेलने के बाद, जो कि पॉइंट सही भी है। अगर विराट कोहली 17 रन बना के आउट हुए होते तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने पूरे 20 ओवर खेले और स्ट्राइक रेट जो है 160 के अराउंड ही दिखा। अब ये चीज तो हुई, लेकिन विराट कोहली को इस चीज पे ट्रोल करना कितना सही है या फिर नहीं, वो इस वीडियो में आपको पता लगेगा, क्योंकि जो ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट में विराट कोहली का नाम काफी ज्यादा अच्छी जगह पे और एक सरप्राइजिंग पोजीशन पे, और शायद आपको लगे कि जो बड़े इंडिया के हिटर्स हैं सो कॉल्ड, उनसे भी ऊपर विराट कोहली इस लिस्ट में आते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें शिखर धवन की, शिखर धवन ने अपने करियर में 19 बार 50 बनाए हैं 150 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा, उनके करियर में 40 से ज्यादा IPL 50s हैं। उसके बाद सुरेश रैना के नाम भी 19 ही है 50, उसके बाद एमएस धोनी सुरेश रैना शिखर धवन तीनों के नाम 150 के स्ट्राइक रेट से 1950s हैं अपने अपने IPL करियर में। संजू सैमसन के नाम 2050s है विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 150, तो संजू इस लिस्ट में आते हैं नंबर 3 पे। उसके बाद द बिग टू ऑफ इंडियन क्रिकेट, रोहित शर्मा ने अपने IPL करियर में 2350s बनाई हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 150, और नंबर 1 पे द विराट किंग कोहली 2750s उन्होंने अपने IPL करियर में बना ली है विद द स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 150, उनके करियर में टोटल 50 से ज्यादा जो है IPL 50s है, यानी विराट कोहली के करियर की आधे से ज्यादा 50 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे आई है। अब आप इस सीजन में एक दो पारी के बेस पे विराट कोहली को ट्रोल करेंगे तो वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं, और इस लिस्ट में आप जैसे नाम देख सकते हैं, रोहित शर्मा को विराट कोहली से बेटर बताया जाता है स्ट्राइक रेट के मामले में, हिटिंग के मामले में। सिक्स हिटिंग रोहित शर्मा की विराट कोहली से बहुत बेटर है, लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हुए भी इस लिस्ट में 27-50 के साथ नंबर 1 पे है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर करती है कि विराट कोहली के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है एक या दो पारी के बेस पे बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस सीजन RCB के बैटर्स की तरफ से दिखी है तो वहां पे एक एंड से एंकर करने के अलावा विराट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। अब देखने वाली बात है कि यार विराट कोहली आने वाले मैचों में कैसा करते हैं, और आप लोगों की क्या राय है इस डिबेट पे लेके, क्या विराट कोहली का स्ट्राइक रेट सही में कम रहता है, क्या वो अपने लिए खेलते हैं, जो भी बातें आपने सोशल मीडिया पे सुनी है वो बातें सही है, या फिर जो इस रिकॉर्ड लिस्ट ने बताया कि विराट कोहली 27, रोहित शर्मा 23, उसके बाद संजू सैमसन 2050s विद द स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 150, या ये बात सही है, आप हमें कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक।